हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स रिलेटेड ढेर सारी बातें। दोस्तों, भारतीय कॉमिक्स एक परिचय में राज कॉमिक्स की 1986 से लेकर 1991 तक का सफ़र का हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। 1991 के बाद का सफ़र का हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, कॉमिक्स रिलेटेड और भी कई बहुत सारी वीडियो हमने अपने चैनल में डाल रखी हैं, अगर आपने वो ना देखी हो तो उसे ज़रूर देखें। उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो उसे ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि वो वीडियो कैसी बनी है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1991 राज कॉमिक्स के लिए एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। अब तक नागराज, ध्रुव, भोकाल, परमाणु, बांकेलाल जैसे चरित्र मार्केट पर अपनी पकड़ बना चुके थे और राज कॉमिक्स भी बिक्री के मामले में सफलता के नए कीर्तिमान रच रही थी। जहां लेखन की कमाल मुख्यतः तरुण कुमार वाही, अनुपम सिन्हा जी और संजय गुप्ता जी ने संभाल रखी थी, वहीं प्रताप मलिक जी, अनुपम सिन्हा, मनु वर्मा और बेदी सर ने आर्ट वर्क का काम संभाल रखा था। सचमुच में वह एक स्वर्णिम युग का प्रारंभ था, लेकिन अभी उसमें एक नगीना जोड़ना बाकी था जिसका नाम था डोगा। वाही सर और संजय सर की सोच और मनु जी का आदित्य आर्ट वर्क, ये चीज़ें काफ़ी थी डोगा को राज कॉमिक्स के मुख्य हीरोज में स्थान दिलाने के लिए। वैसे भी डोगा का जो पहले एड था वो अपने आप में अनोखा था और कॉमिक्स आने से पहले ही उसके चर्चे शुरू, और डोगा ने कभी किसी को निराश नहीं किया। 1993 में कर्फ्यू कॉमिक्स से शुरू हुए इस किरदार ने अपने शुरुआती सालों में ही कई सुपरहिट कॉमिक्स दी। वैसे कर्फ्यू वाले सेट में ही शुक्राल और अगले सेट से गोजो का भी पर्दापण हुआ, पर जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों ही पात्र बहुत समय तक नहीं चले। परंतु इधर नागराज और ध्रुव ही नहीं बल्कि परमाणु, भोकाल और बांकेलाल जैसे चरित्र भी पाठकों के दिलों में अपनी जगह बना चुके थे। 1994 में राज कॉमिक्स ने एक नया और अपना दूसरा फुल टाइम कॉमेडी पात्र लॉन्च किया जो थे फाइटर टोट्स। मुझे आज भी याद है कि इनके एड में हमें कितना उत्साहित कर दिया था भोले भाले और मगर शर्मीले मगर गजब के लड़ाके फाइटर टोट्स। हम सब जानने को उत्सुक थे कि आखिरकार कौन है ये फाइटर टोट्स। दूसरा आकर्षण था इस कॉमिक्स का जंबो साइज में आना। हम तो इस कॉमिक्स को देखकर फूले नहीं समाते थे। इसी साल 1994 में धीरज वर्मा द्वारा बनाया गया और मेरा राज कॉमिक्स में सबसे फेवरेट किरदार भेड़िया का भी आरंभ हुआ। ये दोनों नए पात्र बाकी सभी सुपर हीरोज से बिल्कुल अलग थे, जिन्होंने राज कॉमिक्स को एक नया आयाम दिया और दोनों ही पात्र सफल भी हुए। फाइटर टोट्स वाले सेट के साथ ही प्रेत अंकल की भी एंट्री हुई, वो भी जंबो साइज में ही। साथ ही ये योद्धा का भी पर्दापण वर्ष था। हालांकि इन्हें टोट्स और भेड़िया जैसी सफलता नहीं मिली, लेकिन अपने पुराने स्थापित चरित्रों और डोगा, टोट्स और भेड़िया की सफलता से प्रेरित होकर राज कॉमिक्स ने वर्ष 1995 में चार नए किरदार इंस्पेक्टर स्टील, तिरंगा, एंथोनी और गमराज की शुरुआत की, जिसने राज कॉमिक्स के विविधता को और भी ज़्यादा बढ़ाया। वैसे इस साल की सबसे बड़ी हिट थी ध्रुव की मैंने मारा ध्रुव को सीरीज, जो कि आज भी एक लीजेंडरी सीरीज के रूप में जानी जाती है। अपने इन प्रयासों के चलते वर्ष 1995 के अंत तक राज कॉमिक्स के पास एक अच्छी खासी सुपर हीरोज की टीम तैयार हो गई थी। फिर शुरू हुआ वर्ष 1996। राज कॉमिक्स को जानने वाले जानते हैं कि वर्ष 1996 को और किस लिए जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नागराज वर्ष की। जब हम राज कॉमिक्स में 1996 की बात करते हैं तो नागराज ईयर का नाम हमारे दिल में हमें अपने आप ही आ जाता है। ये राज कॉमिक्स का एक ज़बरदस्त आइडिया था और बहुत ही प्रॉपरली प्लान्ड भी था। दरअसल ये वही समय था जब नागराज की बागडोर अनुपम सर ने संभाल ली थी और उसके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। इसकी शुरुआत हुई 1995 के मध्य में प्रारंभ हुई सीरीज खजाना से, जो अनुपम सर द्वारा नागराज पर लिखा पहला प्रोजेक्ट था। इसकी सफलता के लिए आज भी उदाहरण देते हैं। इस सीरीज का आखिरी भाग खजाना वर्ष 1996 में प्रकाशित नागराज का पहला विशेषांक था, लेकिन वर्ष का सबसे बड़ा आकर्षण था नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का महाविशेषांक राजनगर की तबाही। आज भी पाठक वर्ग के दिलों में इस कॉमिक्स के लिए विशेष स्थान है, क्योंकि राज कॉमिक्स का ये पहला 96 पृष्ठ का विशेषांक था, वो भी फोल्डेड कवर में। इस साल नागराज की कुल 5 कॉमिक्स आई, खजाना, क्राइम किंग, राजनगर की तबाही, विष कन्या और स्नेक पार्क। हालांकि यह कोई बड़ा नंबर नहीं था,
पर सभी कॉमिक्स एक से बढ़कर एक थी और वो भी नागराज के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। आज भी इन कॉमिक्स के बिना पाठकों का नागराज का कलेक्शन अधूरा है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये सब की सब कॉमिक्स काफ़ी सफल रही थी। हालांकि 1996 को राज कॉमिक्स ने नागराज वर्ष घोषित किया था, लेकिन अन्य सुपर हीरोज ने भी उस साल काफ़ी धमाल मचाया। अपनी ध्रुव की लाइफ में ऋचा की वजह से लव ट्रायंगल बना, लेकिन उसकी पुरानी दोस्त नताशा उससे दूर हो गई। जहां भोकाल की युद्ध सीरीज इसी साल आई, वहीं दूसरी ओर उसकी भोकाल शक्ति भी चली गई। परमाणु की सबसे ज़्यादा हिट कॉमिक्स अब मरेगा परमाणु भी इसी साल की देन है। इतना ही नहीं, आजकल की दो सबसे रेयर मानी जाने वाली कॉमिक्स टक्कर और लड़ाके का लुत्फ भी पहली बार भाटकों ने इसी साल उठाया था। पिछले कई सालों से चल रही बांकेलाल की लोक यात्रा और फिर विशालगढ़ की खोज आखिरकार इस वर्ष समाप्त हुई और आज भी ये राज कॉमिक्स की सबसे ज़्यादा भागों तक चलने वाली श्रृंखला है। फ्रेंडी हु और एक्स जैसी कुछ बेहतरीन थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज भी 1995 और 1996 में ही प्रकाशित हुई। तो कुल मिलाकर यह कहना उचित होगा कि 1996 वाकई राज कॉमिक्स के लिए एक सफल और बेमिसाल और पाठकों के लिए एक रेयर वर्ष था। राज कॉमिक्स ने अपनी इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए अगले साल को नागराज एंड ध्रुव डबल एक्शन ईयर घोषित किया। राज कॉमिक्स ने नागराज वर्ष की परंपरा को अगले साल भी आगे बढ़ाया और साल 1997 बना नागराज ध्रुव डबल एक्शन ईयर। यह सचमुच में डबल एक्शन वाला साल सिद्ध हुआ, जिसका सबसे बड़ा आकर्षण था नागराज ध्रुव के दो महाविशेष अंक प्रलय और विनाश। 96 पेज और फोल्डेड कवर का इन दो कॉमिक्स का एड तो एक वर्ष पहले ही शुरू हो गया था, और क्या ज़बरदस्त एड थे वो दो, जिन्होंने पाठकों को हिलाकर रख दिया था। जहां प्रलय में नागराज ध्रुव की पहली संभावित भिड़ंत का चित्रण था, वही विनाश में दोनों के मध्य हो रहा था एक मुकाबला, जिसमें इन दोनों का समर्थन कर रहे थे उनके ही कट्टर दुश्मन। कहना गलत ना होगा कि इन दो कॉमिक्स ने पाठकों को लेस मात्र भी निराश नहीं किया। टू इन वन की बात करें तो इस साल डोगा भी पीछे नहीं था। दो फौलाद और मर्द और मुर्दा सीरीज के नाम ही पाठकों का रोमांच बढ़ाने के लिए काफ़ी थे। इसके अलावा भेड़िया और तिरंगा की टू इन वन जंगलिस्तान ने भी डबल एक्शन ईयर में तड़के का काम किया। टू इन वन के साथ ही साथ इस वर्ष लगभग सभी हीरो की सोलो कॉमिक्स भी काफ़ी सफल रही। यहाँ पर भोकाल के महारावण सीरीज का उल्लेख करना अत्यंत जरूरी है, जिसका प्रारंभ 1997 में हुआ। हालांकि यह श्रृंखला अगले वर्ष समाप्त हुई। संजय सर द्वारा लिखित और कदम स्टूडियो द्वारा चित्रित इस श्रृंखला से पाठक भली भांति परिचित हैं और इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के समान होता है। इसी प्रकार ध्रुव की खूनी खानदान सीरीज का पहला भाग खूनी खानदान भी इसी साल प्रकाशित हुआ, जो कि राज कॉमिक्स का 100वां विशेषांक था। डोगा की शेर का बच्चा और खाकी और खद्दर और खूनी पहलियां भी इसी साल प्रकाशित वो कॉमिक्स हैं जिनकी आज भी कोई सानी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, बाकी सभी रोज की सोलो कॉमिक्स भी काफ़ी सफल हुई, तो सबकी यहाँ उल्लेख करना तो यहाँ संभव नहीं है। पर खास बात यह है कि कई ऐसे नए विलेन के भी एंट्री हुई जिन्होंने हीरोज़ के व्यक्तित्व को एक नया आयाम दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो था राज कॉमिक्स के 1996 से 1997 तक के सफ़र का। और दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और दोस्तों, अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फैक्ट या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।